नमस्कार उज्जैन, मैं हूं आपके साथ इशिका यादव। आप देख रहे हैं अभय न्यूज का 4 अगस्त गुरुवार शाम का बुलेटिन। तो चलिए देखते हैं शहर के कुछ खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। मधुर डेयरी संचालक मोहन वासवानी द्वारा वार्ड 44 की पार्षद नीलम कालरा के पति राजा कालरा पर लगाए आरोपों को अन्य दुकानदारों ने खारिज कर दिया है। इन दुकानदारों का कहना है कि पार्षद पति बेहतर काम कर रहे हैं। वासवानी ने उनकी दुकान के आगे का ओटला तोड़ने को लेकर पार्षद पति राजा कालरा पर आरोप लगाया था। गुरुवार को राजा कालरा के समर्थन में क्षेत्रीय व्यापारी लामबंद हो गए और उन्होंने आरोपों को बेबुनियाद बताया। आइए व्यापारियों से ही सुनते हैं वह क्या कह रहे हैं। ये जो है मधु डेयरी वाला जो कर रहा है, ये सरासर गलत है ना, सरासर गलत है। इस टाइप की कोई डिमांड है ऐसे कोई किसी से नहीं। दूसरे भी व्यापारी इसी से क्यों मांग रहा है, दूसरे व्यापारों से भी मांगते फिर ऐसी डिमांड होती तो। ये अभी हाल इन्होंने बोला, हाँ PM प्लाईवुड वालों ने, उन्होंने बोला अगर डिमांड होती तो उनसे भी लेते फिर। सभी के नहीं, सभी के होटल तोड़े। हाँ, उस लाइन में जो भी था, जहाँ से चौक थी पूरी लाइन है सब तोड़ी गई है, वो गलत है और वो आदमी भी सही नहीं है। अभी खुद भी बेल पे छुटा हुआ है वो। आपको लगता है उसकी कोई इमेज नहीं है मोहल्ले में? कोई राजनीतिक द्वेषता है क्या उनकी, पार्षद पति भी? वो तो हर व्यक्ति से लड़ता रहता, हर व्यापारी से लड़ता रहता, उसका काम ही यही है। यहाँ पे उसका किसी से व्यवहार नहीं है पूरे मोहल्ले में। PM प्लाईवुड के संचालक मनोज फुलवानी ने बताया, हमें वो दुख नहीं कि उन्होंने हमारा टोटला तोड़ा, कि हम यह चाहते हैं कि यहाँ का जो पानी की समस्या है वो हल हो जाए बस। पानी जो है सामने रेवासी वाली जो लाइन है वहाँ पर भरा था, लेकिन टोटले इधर के तोड़े जा रहे हैं उधर के। नहीं, पानी तो पूरे इधर पूरे एरिया में पानी भरा जाता है, खाली उस तरफ पानी नहीं भराता है, पानी इस तरफ भी भरा जाता है। और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, ये इसको टोटला तोड़कर उन्होंने अच्छा करा कि कम से कम निकासी तो होगी पानी जाने। क्षेत्र के रहवासी मोहम्मद इस्माइल भी पार्षद पति के पक्ष में खड़े नजर आए। और भी निकाला नहीं, साफ करे न, वो भी समस्या करी है अभी, निकले क्या तकलीफ है। और उनका चुनाव के पहले भी हमने को यही बताया था उनको कि साहब हम बहुत परेशान हैं, ग्राहक परेशान, सब गिरते हैं, बच्चे सब, सारे दुकानदार परेशान है, सब दूर जाम हो रहा है, गटरें भरा रही है, तो 2-3 फीट पानी निकलता नहीं है, कीचड़ और पानी बाहर आ जाता है। बहरहाल तंबाकू बाजार का यह मामला अभी थमने वाला नहीं है। त्रिवेणी संग्रहालय के पास चल रहे स्मार्ट सिटी की वाहन पार्किंग की नाली निर्माण में कोताही बरती जा रही है। खुली नाली की वजह से 30 जुलाई को एक 17 महीने की बालिका की नाली में गिरने से मौत हो गई। बावजूद इसके जाली लगाने का काम अब तक शुरू नहीं हुआ है। वाहन पार्किंग काम में लगे मजदूर भी यहीं रहते हैं। पार्किंग का निर्माण गुजरात की फर्म MP बाबरिया कर रही है। इसमें झाबुआ के खेड़ी का सुगा डामोर भी काम कर रहा है। वह 17 महीने की पुत्री भावना और पत्नी के साथ टापरी में रहता है। 30 जुलाई की सुबह सुग्गा शौच के लिए गया था और उसकी पत्नी टापरे में थी। इसी बीच बच्ची बाहर निकली और नाली में गिर गई। शौच से लौटे सुग्गा ने जब बच्ची को टापरे में नहीं देखा तो बाहर खोज की तो नाली में बच्ची मृत मिली। आइए सुग्गा से जानते हैं पूरा मसला। और उतनी देर में मैंने आके बोला कि मेरी बच्ची कहाँ है, तो मेरे घर वाले बाहर निकले, सब ढूंढने लग गए। तो इतनी देर में मेरी साली आए तो अंदर से गुलगुले पानी में से निकल रहे थे, तो हाथ डाल के मेरे साले ने निकाली और लेके गए अस्पताल बाइक पे। जी, उसके बाद फिर क्या हुआ, डॉक्टर ने क्या किया? डॉक्टर ने बोल दिया कि बस हो गया। अच्छा, हम निकाल देंगे, कर देंगे, कुछ कार्रवाई उन्होंने नहीं की। अच्छा, जाली लगाने बोली, मैंने 2 महीने से बोल रहा हूँ कि जाली लगाओ, इसके ऊपर मिट्टी निकालवा दो, तो निकाली नहीं, हमारी सुनवाई नहीं की। आप सभी के यहाँ पर आपकी झोपड़ियाँ सभी यहाँ आसपास ही नाली के आसपास ही? अच्छा, कितने परिवार के लोग हैं आपके यहाँ? यहाँ एक परिवार के हैं। अच्छा, और भी कितने मजदूरों के घर हैं यहाँ पे आसपास? यहाँ तो पूरा परिवार कम से कम यहाँ 100-150 आदमी रहते सब। अच्छा, और भी बच्चे होंगे यहाँ पर? बच्चे है ना। ठीक है, हाँ। तो आपने कुछ मांग की बच्चों की सुरक्षा के लिए, और क्या है फिर? मांग की है, पर ये लोग कहते हैं कि कल आ जाएंगे, परसों आ जाएंगे, ऐसे करके मेरे को 2 रुकवा दिया। अब भी बोल रहे कि कल आ जाएंगे। अच्छा, ऐसे बोल रहे। थाने में आपने FIR की तो क्या कहा आपको? तो उनने कहा कि तुम आप जाके समझौता कर लो, कुछ दे रहे कि नहीं दे रहे। हाँ। तो उनने कहा कि सेठ अंजन तो मैं बात कर रहा, ऐसे करके मेरे को जाने नहीं दे रहे। और अच्छा। पुलिस वाले से मैंने अभी भी गया फिर थाने पे। मैं क्या मानते हैं आप, किसकी लापरवाही इसमें की से? उत्तम की। उत्तम कौन है? उत्तम
ये सेट इंश्योरेंस। अच्छा, इंचार्ज है। सुग्गा के मुताबिक उन्होंने प्रबंधन से नाली को जालियों से ढकने का कई बार कहा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इस संबंध में साइट इंचार्ज सूरत के उत्तम पटेल ने बताया कि बच्ची की आंख आई थी और वह नाली में गिर गई थी। इस संबंध में कंपनी की नीति अनुसार क्षतिपूर्ति दी जाएगी। उसमें यह था, हमारे लेबर वहाँ पीछे काम कर रहे थे, वो वहाँ झोपड़ी बना के रह रहे थे, तो वहाँ नाली में पानी भरा था। तो सुबह की घटना थी, सुबह 5-6 बजे की, उसकी मम्मी ने बच्चे को बाहर रखा होगा, तो बच्चा सुबह में क्या मालूम उसको बुखार भी आ रहा था और आंखें आई हुई थी, तो नहीं दिखा वो हिसाब से वो नाली में गिर पड़ा। और घर वाले अंदर काम कर रहे थे लेबर, उसके मम्मी, तो उसको पता नहीं रहा और वो घटना से पानी में डूब गई बच्ची। क्या मानते हैं आप, क्या कारण है कि लापरवाही के काम में? लापरवाही में तो वो है कि उसको जो उसकी मांग है, उसको जो थोड़ी बहुत सहाय कंपनी की ओर से जो होती है, उसको हम कर देंगे। श्री महाकालेश्वर मंदिर को मिले सेफ भोग सर्टिफिकेट के साथ ही अब चामुंडा माता मंदिर और इस्कॉन का नाम भी जुड़ने वाला है। इसके लिए इंदौर की इंडियन ईयर्स फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सर्विसेज की 2 सदस्यीय टीम ने जिला खाद्य अधिकारी के निर्देशन में गुरुवार को मंदिर में बनने वाले भोजन को परखा और किचन का जायजा लिया। अच्छी बात यह रही कि मौजूद व्यवस्थाएं, शुद्धता एवं सुरक्षा के सभी मानकों पर भोजन खरा उतरा है। अगर दोनों मंदिरों को सेफ भोग सर्टिफिकेट मिलता है तो भोजन की गुणवत्ता पर सेफ भोग का टैग लग जाएगा। दरअसल चामुंडा माता मंदिर से बड़ी संख्या में गरीब एवं निर्धन लोगों को रोजाना भोजन परोसा जाता है। इसके चलते ईट राइट चैलेंज के अंतर्गत सेफ भोग योजना में चामुंडा मंदिर में बनने वाले भोजन को भी शामिल किया गया है। इसका उद्देश्य यह है कि लोगों को परोसा जा रहा खाना पूरी तरह से शुद्ध और सुरक्षित हो। इसके लिए इंडिया नियर्स फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सर्विसेज की टीम ने 1 माह पहले रेडियो ऑडिट किया था और चामुंडा माता मंदिर समिति को भोजन और उससे जुड़ी व्यवस्थाओं में जरूरी बदलाव करने का कहा था, जिसके बाद समिति ने सभी अपग्रेडेशन पूरे किए। 1 माह बाद गुरुवार को टीम के 2 सदस्य विक्रम दुआ और शालिनी दयाल ने जिला खाद्य अधिकारी बसंत दत्त शर्मा के निर्देशन में फिर से निरीक्षण किया, जहां उन्होंने भोजन और उससे जुड़ी सभी व्यवस्थाएं सुरक्षा और शुद्धता के मानकों पर खरी पाई। टीम अब इसकी रिपोर्ट फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को सौंपेगी, जहां से सेफ भोग का सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा। यदि चामुंडा माता मंदिर को प्रमाण पत्र मिलता है तो यह शहर का दूसरा ऐसा मंदिर होगा जो सेफ भोग प्लेस घोषित होगा। इससे पहले श्री महाकालेश्वर मंदिर को यह सर्टिफिकेट मिल चुका है। टीम सदस्यों ने इस्कॉन मंदिर की भोजनशाला का भी निरीक्षण किया है। क्या है भोग का अर्थ, आइए हम आपको समझाते हैं। दरअसल भोग शब्द अंग्रेजी के 4 अल्फाबेट से मिलकर बना है, बी से ब्लिसफुल, एच से हाइजेनिक, ओ से ऑफरिंग और जी से गॉड। ब्लिसफुल हाइजेनिक ऑफरिंग टू गॉड, यानी भगवान को प्रस्तुत मधुर एवं स्वस्थ प्रद भोग। बताया कि 1500 से लेकर 2000 लोगों को भोजन उनको बांटा जाता है, तो हमने भी इसको ईटाई चैलेंज के अंतर्गत सेफ भोग योजना में लिया। और जैसे कि महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति का सेफ भोग सर्टिफिकेशन हुआ था, उस दिन यहाँ पर करा और प्रबंध समिति ने काफ़ी सहयोग करा। उन्होंने बहुत सारे बदलाव किए, वो सारे अपग्रेडेशन किए जो आवश्यक हैं, और हमने इसका पहले प्री ऑडिट कर चुके थे और आज फाइनल ऑडिट के लिए हमारी FSSAI द्वारा अधिकृत जो ऑडिटर्स आए हुए हैं किया है, तो इसी सारे जो मानक के आधार पर हमने इसके जो ऑडिट रिपोर्ट्स है वो आगे FSSAI को सबमिट करेंगे और फिर देखते हैं कि बहुत जल्दी चामुंडा माता की कृपा से हमें सेफ भोग सर्टिफिकेट यहाँ के प्राप्त हो, यहाँ के श्रद्धालुओं को सब एकदम पूर्ण सुरक्षित भोजन प्राप्त। शहर में एक के बाद एक चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले चोर गिरोह का सुराग पुलिस ने हासिल कर लिया है, कभी भी इन्हें दबोचा जा सकता है। शहर में चड्डी बनियान गिरोह ने उत्पात मचा रखा है। वह शहर के बाहरी इलाकों में लगातार वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। हद तो यह है कि वह एक ही कॉलोनी में कई कई घरों में वारदातें कर रहे हैं। पुलिस इन्हें पकड़ने में अब तक नाकाम है। इस संबंध में SP सत्येंद्र कुमार शुक्ल ने स्पष्ट किया कि चोरी की घटनाएं शहर में बड़ी जरूर है, लेकिन पुलिस लगातार आरोपियों की तलाश कर रही है। इनमें से कुछ आरोपियों की पहचान भी की जा चुकी है। जल्द ही एक अच्छी कार्रवाई कर आरोपियों को पकड़कर सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा। हाउस ब्रेकिंग को लेकर कुछ जरूर घटनाएं हुई हैं जो हमारे लिए भी चिंता का विषय है, और संपत्ति संबंधी अपराधों की जो डिटेक्शन है और उसको वो हमारे हमेशा से टारगेट में रहा है। आपने देखा होगा इसके पहले हमने वाहन चोरी के बहुत सारे अच्छे गैंग पकड़े, अभी 3 करोड़ के वाहन हमने अहमदाबाद गुजरात से पकड़ के लेकर आए हैं। जहाँ तक हाउस ब्रेकिंग की घटनाओं की कुछ बातें कहें, पिछले बीते 2 महीनों में निश्चित तौर पर कुछ घटनाएँ हुई हैं हमारे टारगेट में हैं और उसमें कुछ आरोपी चिन्हित हो चुके हैं,
क्योंकि थोड़ी सी व्यस्तताएं रही हैं, लेकिन आपको अगले आने वाले समय में निश्चित तौर पर इसमें परिणाम दिखेगा। ट्रेनी रेलवे कर्मचारी को दो दिन पहले चाकू मारने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। नागदा रेलवे में ट्रेनिंग ले रहे पवन यादव पर बेगमबाग क्षेत्र में 2 दिन पहले चाकू से हमला किया गया था। पुलिस ने इस मामले में जांच के बाद 3 नाबालिगों को पकड़ा है, उन्हें कोर्ट में पेश कर दिया गया है। महाकाल थाना प्रभारी मुरिंद्र गौतम ने बताया कि गाड़ी से टक्कर लगने की बात पर श्रद्धालु और युवकों के बीच विवाद हुआ था। इसके बाद उसके साथियों ने श्रद्धालुओं को चाकू मार दिया था। देखिए, परसों रात को कोटमल्ला चौराहे के पास में मोटरसाइकिल पे एक लड़का सवार होकर जा रहा था, उसके रोड पर चलने वाले लड़कों से कुछ गाड़ी कट मारने की बात पर से वो लड़का गिर गया था। उस पर उन लोगों का आपसी में विवाद हो गया था, उसी में कोई चाकूबाजी की घटना हुई थी जिसमें 3 अपचारियों को गिरफ्तार किया गया है। आज माननीय न्यायालय पेश किया जाएगा। भविष्य की चिंता छोड़ो, पंडित गोविंद गुरु से नाता जोड़ो। ना कोई पैसा, ना कोई फीस, बस लीजिए गुरु जी का आशीष। आज ही जाने अपनी हर समस्या का समाधान। संपर्क करें 9827030415 या 9302230415। हमारा पता 8 अलगदाम कॉलोनी, सावे रोड, उज्जैन। क्या उज्जैन नगर निगम की आर्थिक हालत खराब है? वरिष्ठ पार्षद रवि राय के लेटर से तो ऐसा ही लगता है। उन्होंने महापौर और पार्षदों की शपथ विधि से पहले 150 करोड़ रुपए की मांग सीएम से की है, ताकि नगर निगम कर्मचारियों के वेतन भुगतान के साथ निर्माण कार्य तेजी से कराया जा सके। राय के मुताबिक उज्जैन नगर पालिका निगम पर लगभग 50 करोड़ का भुगतान देनदारी है। कर्मचारियों को वेतन बांटने तक की समस्या है। रुपया नहीं होने से 2 साल से नवीन निर्माण बंद है। ऐसे में शासन को उज्जैन नगर निगम की आर्थिक तंगी दूर करनी चाहिए और शपथ विधि के पहले 150 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध करानी चाहिए, उसके बाद ही शपथ विधि करानी चाहिए। चालीस साल की सेवा पूरी कर सेवानिवृत्त हुए 10 पुलिस कर्मियों का सम्मान किया गया। एसपी ने शाल उड़ाकर और मोमेंटो देकर सम्मान किया। पुलिस अधीक्षक ने बताया, लगभग 40 साल से अधिक की अपनी सेवा पूरी करके जा रहे सेवानिवृत्त हो रहे पुलिस कर्मी हमारे साथ काम करने के लिए स्वतंत्र है। खास बात यह रही कि रिटायर होने वाले 10 में से 9 कर्मचारी उज्जैन में ही पदस्थ रहे हैं। उज्जैन एसपी ने कहा, एक लंबे समय से उज्जैन में ड्यूटी कर रहे कर्मचारियों के अनुभव का लाभ आने वाले सिंहस्थ महापर्व में लिया जाएगा। सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने भी विनम्रता से एसपी को धन्यवाद दिया और आवश्यकता होने पर विभाग के लिए कार्य करने की इच्छा जाहिर की। सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों में निरीक्षक ओम प्रकाश जोशी 40 वर्ष की नौकरी के बाद, प्रधान आरक्षक जगत नारायण 38 वर्ष, सहायक उप निरीक्षक रामलाल 38 वर्ष, निरीक्षक रमेश चंद्र सोलंकी 41 वर्ष, निरीक्षक दामोदर प्रसाद चौधरी 41 वर्ष, निरीक्षक रमेश कुमार दीक्षित 42 वर्ष, सहायक उप निरीक्षक देवनारायण पांचाल 41 वर्ष, सहायक उप निरीक्षक रमाशंकर गौतम 42 वर्ष, प्रधान आरक्षक सूर्य प्रकाश पाटीदार 34 वर्ष और निरीक्षक मोहनलाल भावर अर्धवार्षिकी आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त हुए हैं। 30-30 नहीं, आप इसमें देखेंगे तो कई सारे हमारे जो साथी हैं जिन्होंने 42-42 साल की सेवाएं यहाँ पे दी हैं। और चूंकि आप जानते हैं कि हमारा पिछले जो 21 तारीख को जो रिटायरमेंट का जो दिन था, उस दिन से लेकर लगातार हमारी व्यवस्थाएँ नहीं हैं, इसलिए आज ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था। हमारे 10 साथी जो लंबी सेवा अवधि के बाद आज हमसे विदा लिए हैं और रिटायरमेंट किए हैं, उनको एक जो सम्मान किया दिया जाता है, उसी क्रम में हमने आज ये पूरा कार्यक्रम आयोजित किया था। हमारे 10 साथी विभाग से सेवानिवृत्त हुए हैं, लेकिन अच्छी बात यह है उसमें 10 में से 9 जो है हमारे उज्जैन में ही रहे हैं। और कई सारे लोगों ने अपने विचार जब उनसे चर्चा की गई, ये कहा कि हम बाबा महाकाल के दरबार में जो सेवा दे सकते हैं, खासकर सवारी ड्यूटी में, और उनके एक्सपीरियंस का निश्चित तौर पर हमें फायदा मिलेगा। उज्जैन जनपद के अध्यक्ष उपाध्यक्ष चुनाव में प्रशासनिक गड़बड़ी को लेकर हाई कोर्ट में दर्ज की गई याचिका खारिज कर दी गई है। कोर्ट ने चुनाव को ठीक ठहराया है। उज्जैन जनपद के अध्यक्ष उपाध्यक्ष चुनाव में प्रॉक्सी वोट डालने को लेकर जमकर बखेड़ा हुआ था। कैबिनेट मंत्री मोहन यादव ने आरोप लगाया था कि प्रशासनिक धांधली के कारण भाजपा के सदस्यों को वोट नहीं डालने दिए गए। 25 सदस्यीय जनपद में 13 सदस्य होने के बावजूद भाजपा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नहीं चुने जा सके। यह पूरा मसला प्रॉक्सी वोटर को लेकर शुरू हुआ था।
भाजपा 4 सदस्यों के वोट प्रॉक्सी के तौर पर डलवाना चाहती थी, लेकिन वोट डालने वाले का रिश्ता संबंधित सदस्यों से नहीं होने के कारण निर्वाचन अधिकारी ने प्रॉक्सी वोट निरस्त कर दिए थे। इस वजह से कांग्रेस के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जनपद में चुन लिए गए थे। निर्वाचन को लेकर भाजपा ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, इसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट का आदेश आने के बाद अब जनपद अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव वैध घोषित हो गया है। और अब खबरें दे दनादन। नागपंचमी पर्व के बाद उज्जैन रेंज के आईजी संतोष कुमार सिंह ने पुलिस कंट्रोल रूम पर व्यवस्थाओं को लेकर बैठक की, जिसमें सभी बिंदुओं पर चर्चा की गई एवं क्राउड मैनेजमेंट के सभी पुलिस कर्मियों के अनुभव एवं सुझाव पर बात की गई। आने वाले समय में लगातार त्योहारों को देखते हुए एक ठोस कार्य व्यवस्था बनाने की बात कही गई है, क्योंकि अब जैसा आप जानते हैं कि 6 तारीख से हमारे मुहर्रम का त्यौहार चल रहा है और 6 तारीख से लगातार 11 तारीख तक हमारे पास त्यौहार है। 6 तारीख को हमारा मेहंदी की रात जो मुहर्रम की थी वो इम्पोर्टेंट है, 7 तारीख को संडे रहेगा, उस दिन भी बाबा महाकाल के दरबार में भीड़ रहेगी 11, और फिर इसके बाद अगला दिन जो सोमवार का है उसमें सोमवार का दर्शन फिर सवारी, और उसी दिनांक से फिर जो मुहर्रम के जो जुलूस है 8 और 9 तारीख को उनके जुलूस रहेंगे। 10 तारीख को चूंकि नगर पंचायतों का इलेक्शन है वो रहेगा और 11 तारीख को रक्षाबंधन। इस तरह से अगले 6 दिन लगातार जो पुलिस की व्यस्तता रहेगी उसके लिए कैसे काम करना है, क्या कार्य योजना होनी चाहिए, उसमें किन बातों का ध्यान दिया जाना चाहिए, साथ ही साथ और जो हम उसको कैसे बेहतर कर रहे हैं, इस संदर्भ में महत्वपूर्ण मार्गदर्शन और प्रोत्साहन आईजी साहब और डीआईजी साहब द्वारा दिए गए। मध्य प्रदेश शासकीय वाहन चालक यांत्रिक कर्मचारी संघ की महापंचायत का आयोजन 7 अगस्त को विक्रम कीर्ति मंदिर में सुबह 10 बजे किया जाएगा। इसमें प्रदेश भर से लगभग 200 प्रतिभागी शामिल होंगे। आपने देखा हमारा बुलेटिन, ये आपको कैसा लगा इसका फीडबैक हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कल फिर मुलाकात होगी नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।